लगातार 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मध्य प्रदेश आज शोक में डूबा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद से मध्य प्रदेश में हर तरफ शोक का माहौल है। आम आदमी हो या नेता, हर कोई लता दीदी के जाने से दुखी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी नहीं रही, स्वर के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी आपके बिना ये देश सूना है, गीत संगीत सुने हैं, हर घर सूना है, हृदय घट सूना है, आपकी कमी कभी भी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। स्वर कोकिला नहीं रही, भारतीय संगीत के महायुग का अंत हो गया। लता दीदी आपके बिना ये देश सुना है, इस देश के गीत और संगीत सुने हैं, हर घर सुना है, हृदय घट सुना है, आपकी कमी कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मान के हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। वहीं पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है लता मंगेशकर जी को। उन्होंने लिखा कि स्वर कोकिला सुर साम्राज्ञी कई पुरस्कारों से सम्मानित मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जी के निधन का समाचार बेहद पीड़ादायक है। आज उनके निधन से संगीत का एक युग समाप्त हो गया। उनका निधन कला क्षेत्र की ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। उन्होंने भारतीय संगीत को अपनी सुरीली आवाज से विश्व भर में पहचान दी। उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनके परिजनों और करोड़ों प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि एक युग की समाप्ति हो गई, मध्य प्रदेश में जन्मी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन की दुखद खबर है। उनकी आवाज अमर रहे, न उनके जैसा हुआ है और ना होगा। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा कि स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ, सुरों की देवी, देश का मान सम्मान, भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का जाना राष्ट्र और संपूर्ण संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। हमने एक अमूल्य हीरा खो दिया है। ईश्वर लता दीदी की आत्मा को शांति और परिजनों और उनके करोड़ों प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। आपको बता दें कि लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। उन्हें इंदौर से खासा लगाव भी था। वे कई बार इंदौर आई हैं। इंदौर के लोग भी लता दीदी के यूं चले जाने से काफी स्तब्ध हैं। लता दीदी के मुरीद लोगों ने इंदौर में उनके गानों के रिकॉर्ड्स का कलेक्शन भी किया है और आज वो उन्हें अपनी प्यारी लता दीदी को याद कर रहे हैं। रूम से निकलती हैं, थोड़ी देर के लिए मिलती थी और फिर वापस चली जाती। उनका तो सिस्टम बहुत सादगत सादी जीवन में सारा दिन रहा, लेकिन इस कोविड वाली महामारी ने उनका जीवन निकल लिया। ये मुझे बहुत दुख लग रहा है। सर्व साम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन होने से पूरे ही भारतवर्ष में दुखदायी घटना घट चुकी है। मैं उन्हें अपने लतादान दीनानाथ ग्रामोफोन संग्रहालय की ओर से शत-शत नमन करती हूँ और भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। बता दें कि लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी सी उम्र से उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने माने व्यक्ति थे। लता जी को अपने पिता से ही संगीत की शिक्षा मिली थी। अपने लंबे करियर के दौरान लता मंगेशकर ने कई गानों को अपनी सुरीली आवाज दी। साल 2001 में लता मंगेशकर को संगीत की दुनिया में अपनी अमिट छाप देने के लिए और योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। आज मध्य प्रदेश लता मंगेशकर के जाने से दुखी है, स्तब्ध है और रो रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।